अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर वर्चुअल जॉब अफेयर जो कि 24 जनवरी 2024 को इंटरव्यू करने जा रहा था, उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि सर इसमें क्या सवाल होंगे, क्या पूछा जाएगा, कोई ऐसा सवाल ना आ जाए हम रिजेक्ट ना हो जाए। जाहिर सी बात है हर बंदे की एक होती है, तो इसके रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन आप लोगों से वो पूछेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है, आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, ताकि जब आपका इंटरव्यू हो और उसके अंदर आपको किसी किस्म की कोई टेंशन परेशानी नहीं आनी चाहिए। बहुत से लोग इसी वजह से कंफ्यूज हैं, लोगों ने अप्लाई तो किया, उसके अंदर मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर कंप्लीट, मैंने तरीकाकार भी बताया कि आपने इसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर कैसे अप्लाई करना है। तो जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूवर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नया आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। आए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। देखिए, जो कनाडा में इंटरव्यू होते हैं वो पाकिस्तान और इंडिया से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे और किस्म के इंटरव्यू होते हैं और कनाडा में जो होते हैं वो और किस्म के होते हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अच्छा, जो कनाडा में इंटरव्यू लिया जाता है वो ज्यादातर गूगल मीट्स, वो एक ऐप है, उसके ऊपर इंटरव्यू लेते हैं, और अगर किसी और से लेना हो तो वो आपको बता देते हैं कि हम इस ऐप के ऊपर आपका जो है वो इंटरव्यू करेंगे, आपको लिंक भेज दिया जाता है, उसके अंदर टाइम वगैरह जो है वो सारा वो आपको दे देते हैं कि इस टाइम को आपका इंटरव्यू है, सब कुछ है। वो आपने फिर अपने पीसी पे या लैपटॉप पे ऑनलाइन आना है या मोबाइल पे आना है, वो आप उससे थोड़ा सा टाइम पहले आप सब कुछ रेडी करके आप बैठे हो, मतलब कि आपको उस टाइम के ऊपर ना कुछ करना पड़ेगा जिस टाइम के ऊपर जब वो उनकी रिक्वेस्ट आ जाए या आप उनको रिक्वेस्ट भेजें और उसके अंदर आधे काम आपने किए ना हो। इसके अंदर कुछ बेसिक बातें हैं जो समझने की हैं, वो क्या है कि आपने जो सीवी अपना अप्लाई के लिए भेजा था वो सीवी अपने पास रख लेना है, अपने छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स जो है, अपना पासपोर्ट सब कुछ, लाइक वो एहतियातन अपने पास आपने रख लेना है। सीवी इसलिए मैं कह रहा हूं ताकि सीवी के अंदर जो आपने अपना स्किल बताया, जो अपनी लैंग्वेज बताई है, जो आपने अपने अबाउट बताया, सारा मतलब कि आपको या तो पता होना चाहिए कि मैंने ए टू जेड क्या लिखा है, क्या उसमें बताया, या तो फिर आप अपना सीवी अपने पास रख लें, ठीक है, जैसे वो पूछें आप वहां उस हिसाब से फिर आप बताते रहें, क्योंकि आप मोस्टली लोगों ने उसके अंदर ऐसे स्किल भी ऐड किए होते हैं जिसका मतलब कि उनको थोड़ा बहुत ही पता होता है, लेकिन बस वो ऐड कर देते हैं सरसरा की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। तो जाहिर सी बात है जब वो आपसे पूछेंगे तो उन्होंने आपको आपसे पूछना है कि आपको कौन कौन सा स्किल आता है, कितनी देर काम किया आपने, कितना एक्सपीरियंस है आपके पास, सारा कुछ ये होता है, ठीक है ना। तो ये आपने सबसे पहले जो है वो सीवी अपने पास रख लेना, ये मत भूलिएगा। और दूसरा यह कि आपने एक कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है, यानी कॉन्फिडेंस लो नहीं करना, होगा कुछ भी नहीं, अपने एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक नॉर्मल अपने बॉडी लैंग्वेज आपकी जरा अच्छी होनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा बंदे का पता चल जाता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ी सी मतलब गुड लुकिंग हो गया आपने सामने बैठना है, मतलब पीछे से जो अपना बैकग्राउंड है वो जरा अच्छा होना चाहिए, ना हो कि तुम इतने उठे पट्ठे पा आ रहे हो मजा उठे उठे खुरली उठे बैठे इंटरव्यू कर रहे, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपने मतलब कोई अच्छी सी लोकेशन जहां पे शोर शराबा नहीं आना चाहिए ज्यादातर, ठीक है ना, तो आप लाइक रिलैक्स बैठे और पीसफुल जगह के ऊपर बैठना है आपने, इजी हो के फुल कॉन्फिडेंस के साथ, तो फिर आपने इंटरव्यू देना है। समझ आ रही ना गल। अच्छा, वो जो ऑफिसर बैठा होगा वो आपसे क्वेश्चन करेगा, सबसे पहला वो जो क्वेश्चन करेगा वो आपके अबाउट करेगा, बोले कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कि आप अपने बारे में बताएं, तो आप फिर अपने बारे में बताओगे उसको, ठीक है, या फिर वो यहाँ पर आपने अपना तारफ करवाना है उसको अपना, ये ना हो कि आपको बहुत ही लंबा तारफ ले जाए अपना, तो इंट्रो आपने शॉर्ट से शॉर्ट करवाना है और पूरे से पूरा करवाना है, पूरे से पूरा लाइक ये कि आपकी बात ज्यादा लंबी भी ना हो और ज्यादा कम भी ना हो, ठीक है ना, लाइक आपने और कोशिश करना है कि दो चार वर्ड के अंदर अपने अबाउट बताने की कोशिश करें, ये ना हो तो उन्होंने दसो दसो तो कहे वाह भाई पर्सनल नंबर से कॉल कर दें, आपने उसमें बताना है कि माय नेम इज फलां फलां, तो उसके बाद आपने कहना थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑनलाइन इंटरव्यू, तो आपने उसका शुक्रिया अदा भी करना है, आपने बताना है कि आप कौन सी कंट्री से हैं, आप कौन से सिटी से हैं, फिर आपने उसको बताना है कि जी मैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से हूं, या मैं फिर आपने अपना बैकग्राउंड बताना है उसको कि आपके किस काम में आपका एक्सपीरियंस है, आपकी एजुकेशन क्या है, तो आपको क्या क्या आता है और कौन कौन सी स्किल है आपके पास। तो ये जो आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन होता है इसको ज्यादा लंबा नहीं करना, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना, और जो ताकि ये ना हो कि आप इतना लंबा कर दें और जो एम्प्लॉयर है वो आपसे बदजन हो जाए, तो उसको बदजन नहीं करना आपने। अच्छा, उसके बाद आपसे वो दूसरा क्वेश्चन करेगा, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड वर्किंग इन कनाडा, कि आप कनाडा में यहाँ पर क्यों काम करना चाह रहे हैं, या यहाँ पर ही क्यों आना चाहते हैं, या आपने कनाडा ही क्यों सिलेक्ट किया, आपने उसका उसको जवाब देना है कि या वे पीसफुल एनवायरमेंट है, कि कनाडा एक सेफ कंट्री है, एक फ्रेंडली कंट्री है और काम के लिहाज से भी अच्छा है, मतलब कि आपने इस वजह से मतलब थोड़ी सी तारीफ करनी है कि कनाडा एक पीसफुल कंट्री है, यहाँ पे सेफ कंट्री है, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो बहुत फ्रेंडली लोग हैं, यहाँ पे स्किल्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, तो बंदा वहां पे ग्रो कर सकता है, बंदा
मतलब कि ऐसा लाइक आपने उनको थोड़ी सी तारीफ, थोड़ा शशके लाने, उन्होंने मक्खन शखन लाना है, ठीक है ना। तो ये आपने उनको बताना है कि मैं यहाँ पर काम करने के लिए इसलिए आ रहा हूँ, मैं इंस्पायर हूँ इनसे बहुत ज्यादा। थर्ड पूछेगा व्हाई आर यू बेस्ट कैंडिडेट फॉर द रोल, कि आप इस रोल के लिए, इस जॉब के लिए आप क्यों बेस्ट हैं। तो आपने उनको कहना है कि आई एम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब, आई एम ए पैशनेट, मैं इस जॉब के लिए अपने आप को एक अच्छा कैंडिडेट समझता हूँ, मैं इस जॉब का, मेरे पास इस जॉब का स्किल है। और जितने भी साल का है आप बताएंगे, मैं 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, आप उस जॉब के रेलिवेंट बताएं उसको, ठीक है, कि मैं इस वजह से अपने आप को इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ज्यादा बेस्ट समझता हूँ मैं इसके अंदर। एक बार याद रखिएगा कि इसके अंदर जनरल नॉलेज का सवाल कोई नहीं होगा, ये नहीं है कि वो आपके मुताबिक सवाल होंगे, आपकी जो अपनी सीवी के अंदर है आपके, वही आपके मुतालिक पूछेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर आप अमेरिका की एम्बेसी में जाते हैं वहां पर बड़े बड़े सवाल कर देते हैं, इसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी जॉब के रिलेटेड, आपके स्किल के रिलेटेड बस यही पूछेंगे। इसमें ये नहीं होगा कि वो आपसे कुछ जनरल नॉलेज के सवाल लेके आ जाएगा या कोई और भी। जैसे एक दफा एक बंदा ने अप्लाई किया अमेरिका का वीजा, वो जब इंटरव्यू के लिए गया ना तो उसने सारा मतलब पहले 2 बार रिजेक्ट हो चुका था उसका वीजा। तीसरी बार जब वो इंटरव्यू के लिए गया तो वहां पर ना उसका मतलब सारा इंटरव्यू पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, वो ओके है उनकी नजरों में। जाते जाते एम्बेसडर ने एक सवाल किया उससे, उसने पूछा कि क्या आप अपनी साबका हुकूमत से मुतमिन है। ओनू गुस्सा चढ़िया सी, उन्हें क्या नहीं है ना, साड़ियां नालियां उत्थे बंद पईयां, साड़ियां सड़कां टूटियां, साड़ी गली का हाल देखो, ते स्कूलां दे हाल देखो, ये है वो है, इन्होंने कुछ कीता ही नहीं। उसने पता क्या किया, उन्हें क्या उरिया गाल सुन काका, उन्हें क्या आपको अमेरिका का वीजा नहीं दिया जाता है, फाड़ ला। उन्हें क्या तू अपनी गवर्नमेंट को मुतमिन नहीं आगा, तू उठे जाके वापस ही नहीं आना है। ये चीजें होती हैं। तो ऐसा वैसा कोई सवाल नहीं आपसे होगा ना, इसमें कोई जनरल नॉलेज क्या करेंगे कि जी उत्थे किन्ने सूबे आते, उत्थे कौन प्राइम मिनिस्टर आते, उत्थे फलाना कौन है, उत्थे डीसी कौन है, डीपीओ कौन है, डीएसपी कौन है, इतना कोई सवाल नहीं तुहाडे को करते। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वही पूछेंगे जो आपने अपनी सीवी के अंदर दिए हैं या आपकी आपकी जॉब के रिलेटेड, बस यही सवाल करेंगे। आपने उन्हीं सवालों के अपनी तैयारी करनी है, वही आपने उनको बताने हैं। फिर वो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर विजुअल अफेयर, आपने इसको कहां पे देखा या किससे आपको पता चला या आपको कहां से ये इन्फॉर्मेशन आई। देखें अगर आपने, मैंने उसके अंदर भी मैंने यही बात बताई थी कि जब आपने अप्लाई करना है नीचे वो यही बात पूछते हैं, तो आपने मेरे चैनल का लिंक दे दें वहां पे, ठीक है ना, वो तो आपने वहां पर देना था। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपने यूट्यूब से ली है या आपका कोई रिश्तेदार बैठा है कैनेडा में या आपने टिकटॉक से लिया, कहीं से लिया, आप सच बताना है कि आपने बताना या तो मैंने यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन ली है या आपने कहना है कि मुझे कनाडा में फलां बैठा है तो मैंने वहां से ली है, या आपने बता देना है कि मेरा को कनाडा में, अगर आपने उससे ली, जहां से आपने इन्फॉर्मेशन ली है ना, बस बात सीधी है कि आपने वहीं से ही बताना है उनको कि एग्जैक्टली मैंने यूट्यूब से ली है, इंस्टा से ली है, टिकटॉक से ली है, फेसबुक से ली है, या मैंने कनाडा में मेरे रिश्तेदार बैठे हैं उन्होंने मुझे बताया, तो ये आपने बताना है। फिर उसके बाद जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा वो ये करेगा कि व्हाट्स योर ग्रेटेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट, कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। इसमें पूछेगा कि आपको अगर कोई काम दिया जाता है वो आप कैसे करते हो। आप ये भी कर सकते हैं कि लास्ट ईयर मैंने अपना गोल सेट किया था कि मैंने ये जो अपनी अचीवमेंट है, ये मेरा अपना गोल है, तो मैंने इसको पूरा करना है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो मेरा मैनेजर है मुझे कोई भी काम देता है तो मैं उसको अपने टाइम से पहले करके दे देता हूँ, ये मेरा कामयाबी का राज है। तो आपने बताना कि मेरा जो भी मैनेजर है, सुपरवाइजर है, जो भी है, वो मुझसे बहुत खुश होते हैं, वो मुझे अवार्ड देते हैं, या मुझसे, आपने ऐसे उनको मतलब कि कन्विंस करना है। फिर वो आपसे पूछेगा व्हाट्स योर आइडियल वर्क एनवायरमेंट, आप लोग कैसा काम चाहते हैं, आप किन के साथ काम करना चाहते हैं, या आप जहां पर काम करें तो वहां पर एम्प्लॉयज कैसे हो। तो आपने कहना है कि मैं जो काम करता हूं, मैं ऑलरेडी जहां पर मैं काम कर चुका हूं, एम्प्लॉयज वहां पर बहुत अच्छे थे, मेरा मैनेजर था या सुपरवाइजर था वो बहुत फ्रेंडली थे। जब ऐसा माहौल हमें मिलता है, फ्रेंडली माहौल मिलता है, तो हमें जो भी काम दिया जाता है हम उसको पूरा करते हैं। तो आपने उनको बताना कि मैं ऐसा फ्रेंडली माहौल चाहता हूं जिसके अंदर मैं काम कर सकूं और अपना गोल को पूरा कर सकूं। इस टाइप के वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। इससे हटके कोई क्वेश्चन नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, जो आपके रिज्यूम में होगा वही होगा। तो वहां पे रिज्यूम कहते हैं, वहां पे सीवी वगैरह नहीं कहते इसको। इस बात का भी ख्याल रखिए ना, वे वो तुम्हें पूछेगा भी यार रिज्यूम दे बारे, तुझे कहो यार वो भी होता है, आज मैं सीवी अपलोड की थी, तो इसको रिज्यूम ही कहते हैं वो, ठीक है ना।
तो ये थे इनके थोड़े बहुत सवाल, तो इन चीजों की आपने तैयारी करनी, इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। बाकी मैं फिर एक बार आपको बता दूंगा जो मैंने पहले बताया कि एक अच्छी लोकेशन पे जहाँ पे शोर वगैरह ना हो, आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है, अच्छे कपड़े पहन के, मतलब कि इन्हें भी पेंट कोट पा के ना बैठ जो कहने के भी घर भी तुरदा फिरता भी पेंट कोट पा के बैठा, मतलब नॉर्मल कैजुअल सी ड्रेसिंग करनी है एक अच्छी सी, मतलब कि ना तो हो गए जरा ब्रश ब्रुश करके थोड़े टैट मैट हो गए पोपट बन के बैठना है तुझे, ठीक है ना। तो बाकी अगर इसके रिलेटेड और भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।